दो FIRs पे आज बेल की आर्ग्यूमेंट थी और रेगुलर बेल के लिए मामन खान जी ने अप्लाई किया था और दोनों ही FIR में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो रिप्लाई है उसमें उन्होंने जो अक्यूज का रोल है वो एज ए मेन कॉन्स्पिरेटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर राइट बताया हुआ है और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिस पे कि जांच अभी बाकी है और स्टेट ने बेल को अपोज किया है और हमने विक्टिम्स की तरफ से स्टेट को असिस्ट किया हुआ है कि मामून खान की बेल नहीं ले जाए। डिफेंस काउंसिल का ये कहना था कि मामून खान एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको पब्लिक के बीच में होना चाहिए और उनका डायरेक्ट नाम FIRs में नहीं है, दंगों में उनका डायरेक्ट नाम नहीं है और इस वजह से उनकी बेल ली जाए क्योंकि और भी जो को अक्यूज्ड हैं उनकी पैरिटी के बेस पर जो बेल ली गई है तो पैरिटी के बेस पर बेल एप्लीकेंट मामून खान की भी बेल ली जाए और हमने इस जमानत का विरोध किया है ये कह के कि जांच अभी बिल्कुल प्राथमिक चरण पर है और ऐसे बहुत सारे तथ्य और क्लू और एविडेंस हैं जो अभी जांच एजेंसी के सामने आने हैं और अगर मामून खान जी चूँकि MLA हैं एरिया के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, पावरफुल पर्सन हैं, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं, विटनेस को इम्प्रेस कर सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है और इस तरह के बहुत से जो प्रोवोक्ड पोस्ट थे सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स ने अभी भी डाले हुए हैं तो इसलिए बेल इस स्टेज पे नहीं ली जाए। और हमने ऑनरेबल सेशन कोर्ट को ये भी बताया है कि MLA साहब ने जो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी अपने सिक्योरिटी और IG लेवल के किसी ऑफिसर से इन SIT से केसेस ट्रांसफ़र करके जांच कराने की, वो अभी 19 अक्टूबर में पेंडिंग है, उसका डिसीजन भी अभी फाइनली बाकी है। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, तथ्य सामने नहीं आ जाए, तब तक जमानत ना ली जाए और अगर वो निर्दोष होंगे तो जांच एजेंसी के रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस स्टेज पर बेल लेना विक्टिम्स की इक्विटी को हैम्पर कर सकता है और इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकता है। वो जांच एजेंसी के पास है, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा पब्लिकली, वो जांच एजेंसी के पास है। क्या वो फैक्ट सही हैं, किनके सोशल मीडिया ID से आ रहे हैं, वो जांच एजेंसी SIT बैठी हुई है और पूरी तन्मयता से वो जांच कर रही है, वो उस बारे में पुलिस बता।